हेलो एवरीवन, आप सभी का मालवा एकेडमी में स्वागत है। और स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन टाइम एंड वर्क। आज हमारा नया चैप्टर है ना, समय और कार्य। तो जैसे जैसे हम टाइम और वर्क की बात करते हैं, तो ये चैप्टर बिल्कुल पाइपो सिस्टम से भी बिल्कुल, मतलब जो नल और टंकी वाला जो चैप्टर है, इन दोनों का मिलता जुलता क्वेश्चन रहता है। तो इसे अच्छे से समझना है हमें, है ना। अगर टाइम एंड वर्क आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको पाइपो सिस्टम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर सभी को? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो तो पहले देखो थोड़ा सा बेसिक सी चीजें, और हमेशा हर टॉपिक में स्टार्ट करने से पहले उसका बेस समझ लो, तो आपको चीजें समझ में जल्दी आ जाएगी और आपको सब कुछ चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तो देखिएगा, जैसे अगर मैं कुछ चीजें डिस्कस करता हूँ, आपसे पूछता हूँ, बताइएगा, है ना। तो टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करते हैं, तो आप कितने टाइम में कोई सा काम करते हो, ये किस पे डिपेंड करता है, वो चीजें हम देखते हैं। देखो, जैसे अगर हम मान लीजिए मैंने आपसे बोला यहाँ पर सिंपल से चीज कि आपने जो है एक बुक पढ़ने की आपकी इफिशियंसी है कि आप 100 पेज जो है पर डे के हिसाब से पढ़ते हो। एक दिन में कितना पढ़ते हो? 100 पेज। अगर मैंने आपसे बोला 5 दिन में कितना पढ़ दोगे, तो 500 हो जाएगा। तो आप क्या करते हो कि 100 पेज पर डे एक दिन का है, तो इसमें 5 दिन का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्चुअल में यहाँ पर कितना आ गया कि 500 पेज। पेज में क्यों आया आंसर? क्योंकि देखो ये पर डे से जो डे कट जाएगा, तो आपको पता चला कि एक दिन में आपने 100 पेज पढ़ते हो और 5 दिन में जो है आप 500 पेज पढ़ दोगे। तो यहां से आप समझिएगा कि ये 100 पेज पर डे क्या है, ये आपकी इफिशियंसी है, कार्यक्षमता है। आप 100 पढ़ सकते हो, कोई 10 पढ़ सकता है, कोई 2 पढ़ सकता है, कुछ भी पढ़ सकता है। तो ये क्या है? ये है आपकी इफिशियंसी। इसे क्या बोला जाता है? कार्यक्षमता, इफिशियंसी, है ना। मतलब कोई भी कार्य करने की आप में क्षमता कितनी है, उसको बोला जाता है इफिशियंसी। ठीक है, अब 5 दिन, 10 दिन या फिर 5 घंटे, इस टाइप से वर्ड जब भी यूज होता है, तो ये क्या होता है? टाइम होता है ना। क्या होता है? टाइम, या फिर समय आप बोल सकते हो। क्लियर। अब ये 500 पेज क्या है? ये पूरा काम था आपने जो 5 दिन में कंप्लीट किया, तो ये 500 पेज क्या है? ये है आपका टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क, या फिर कुल जो है कार्य, या फिर जो भी आप बोल सकते हैं। तो आपने नोटिस किया कि जब भी आप अपनी इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको मिलेगा टोटल वर्क, है ना। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी जो इफिशियंसी है, आप मान लो एक दिन में 10 पेज पढ़ रहे, तो ये आपकी इफिशियंसी है। 5 दिन में कितना पढ़ोगे? तो 50। तो 5 दिन जो रहेगा ये समय हो जाएगा, 50 जो रहेगा फिर काम आ जाएगा। तो ये क्लियर है सभी को। अब दूसरी चीज, अगर यहां से आगे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसको हम अच्छे से और समझते हैं ना। देखो, 100 पेज पर डे 5 दिन में पढ़ रहे थे। अब मान लो आपको जो है काम पूरा 500 पेज का एक बुक का ही है, यही आपको कंप्लीट करना है। लेकिन क्या हुआ, आपने अपनी इफिशियंसी को कर दिया है, क्या है, मान लो आपने कर दिया है कि डाउन कर दिया, आप पढ़ रहे हो सिर्फ 50 पेज पर डे, आपकी जो इफिशियंसी कम हो गई, आपकी जो कार्य क्षमता है एक दिन में आप 50 पेज है, पहले 100 पढ़ रहे थे, अब 50 है, तो 500 पेज पढ़ने में कितना दिन लोगे? तो आप देखो कि 50 में क्या मल्टीप्लाई करें, 500 जाए, एक दिन में 50, तो 500 पेज के लिए क्या जाएगा? तो यहाँ आपको मिला कि आपको 10 दिन लेने पड़ेंगे, है ना, 10 डेज लेने पड़ेंगे। तो आपने ये भी देखा कि जब आपने जो है अपनी इफिशियंसी को कम किया, इसको अगर कम किया, तो आपको टाइम ज्यादा लग रहा है। क्या ये क्लियर हुआ सभी को कि जैसे जैसे आपने अपनी इफिशियंसी घटा दी है, तो आपको जो है कोई भी काम करने के लिए टाइम ज्यादा लग रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कब कंडीशन होती है? जब हमारा टोटल वर्क बराबर हो। तो इसमें ये चीजें ध्यान रखिएगा कि हमारी जो इफिशियंसी है ना, कार्य क्षमता, इफिशियंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब जो कार्य क्षमता है ना, वो समय के जो है अपोजिट वर्क करती है। जैसे जैसे आप अपनी इफिशियंसी बढ़ाओगे, कार्य क्षमता बढ़ाओगे, कम टाइम में काम हो जाएगा ना, तो इफिशियंसी बढ़ाई, टाइम कम लगेगा। इफिशियंसी डाउन हो गई आपकी, तो टाइम ज्यादा लगेगा। इतना सभी को क्लियर है, जो हमें आगे यूज करना है ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जब भी इफिशियंसी इंटू टाइम करते हो तो टोटल वर्क आ जाता है। ये चीजें आप ध्यान रखना, अपने नोट्स में ये चीजें लिख लेना। क्लियर, अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखिए पहले आपको यहां पर क्या दिया गया है कि आपसे बोला गया है यहाँ पर कि राम जो है, राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स एंड श्याम कैन डू इट इन 12 आवर्स, इन हाउ मच टाइम दे विल फिनिश द होल वर्क वर्किंग टूगेदर।
राम जो है 8 घंटे में काम पूरा, एक साथ काम करते हो या पूरे काम को कितने समय में। तो देखिए कोई भी काम है हमेशा एक काम को फिक्स मानो, जब तक आप काम फिक्स नहीं मानोगे ना, एक फिक्स अमाउंट नहीं मानोगे, तब तक आप उनके बारे में डिस्कस नहीं कर पाओगे, उनका कंपैरिजन नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब तक कोई फिक्स काम नहीं हुआ तो आप कैसे कंपैरिजन कर पाओगे कि इसकी दिया गया है राम के बारे में। राम का बोला गया है कि राम जो है 8 घंटे में काम कर देता है, ये हमने लिख दिया। श्याम जो है काम करता राम जो है 8 घंटे में कर रहा है और श्याम उसी काम को 12 घंटे में कर रहा है। तो देखो राम की इफिशियंसी अच्छी है ना, कार्यक्षमता कम टाइम में करके दे रहा है। अब देखो हमेशा क्या करना है आपको, इफिशियंसी निकालना है ना, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा आपको मानना है टोटल वर्क। टोटल वर्क क्यों मानोगे? टोटल वर्क इसलिए मानोगे ताकि हम इफिशियंसी निकाल पाए। तो 8 और 12 इसका एलसीएम लो, है ना, हमेशा एलसीएम मानोगे ना तो वो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना। तो 8 और 12 एलसीएम आ गया 24, मतलब एलसीएम ऐसा नंबर 24 आया जो 8 से भी प्रॉपर डिवाइड हो जाए और 12 से भी। आप 48 लो, 1 लो, 0.5 लो, कुछ भी लो, आंसर हमेशा सही आएगा। लेकिन आप एलसीएम मानोगे ना तो आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी, उसमें ध्यान रखना। तो आपने क्या मान लिया यहाँ से कि 24 जो है ये हमने मान लिया टोटल काम, मान लो 24 पेज का काम इनसे करवाना है, क्लियर, 24 पेज पढ़वाना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब देखो 8 घंटे में 24 पेज पढ़ता है राम, तो 1 घंटे में कितना पड़ेगा, 8 घंटे में 24 पेज, तो 1 घंटे में कितना पड़ेगा, तो वही उसकी इफिशियंसी हो जाएगी। तो 24 में आप 8 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 3 पेज पर आवर के हिसाब से पढ़ता है, क्या इतना क्लियर है, ये इसकी इफिशियंसी आ गई। 12 घंटे में 24 पेज पढ़ रहा है तो इसकी इफिशियंसी बताओ कितनी होगी, तो 1 घंटे में कितनी आ जाएगी, 2 पेज पर आवर के हिसाब से आ जाएगी, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझेंगे। अब आगे बोला गया है, देखो ये क्या आ गई, 3 और 2 क्या आ गई, ये जो है ना 3 और 2 ये इनकी इफिशियंसी आ गई, कार्य क्षमता, 1 घंटे में कितना काम करता है, 1 घंटे में 3 काम करेगा, 1 घंटे में 2 पेज पढ़ रहा है, ठीक है। तो अब हमें काम क्या करवाना है, देखो हमें काम करवाना है कि पूरे काम को कितने समय में पूरा करेंगे, है ना। अब देखो 24 पेज है तो हमें यहाँ से बोला गया कि 24 पेज को काम करवाना है। तो अभी हमने नोटिस किया था इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर हमारा टोटल वर्क होता है, तो आपने देखा इन दोनों से काम करवाना है तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो गई, तो दोनों की इफिशियंसी हो गई 3 और 2 5, 3 और 2 मिला है 5, 5 पेज पर डे के हिसाब से। टाइम पूछा है, टोटल वर्क हमारा कितना है, तो 24 पेज, तो ये लिख दिया मैंने 24 पेज। और फिर यहां से हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो एक्चुअल में देखो कि ये टाइम हमारा कितना, एफिशिएंसी कितनी थी 5 पेज पर डे की। तो आप देखो कि आपने पेज से पेज कैंसिल किया वो 24/5 आ गया, मतलब कितना आ जाएगा 48, मतलब 4.8 भी बोल सकते हो। तो 24/5 ऑप्शन नंबर ए। तो पहले मैंने बिल्कुल आराम से बताया ताकि आपको हर चीजें समझ में आए, अब धीरे धीरे हम स्टेप्स की कटिंग करेंगे ताकि हमें इतना लिखना ना पड़े, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर सभी को। हाँ जी रवि बंसल, टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क, ठीक है, चलो क्लियर है ना। तो अब यहाँ पर देखो कि मैंने एक बार जो बताया एक बार रिपीट करता हूँ, फिर हमें इतना कुछ नहीं लिखना है, हमें शॉर्ट में करना है, बस ये ध्यान रखना है। पहले यहाँ राम के बारे में लिखा, राम 8 घंटे में काम करता है, श्याम 12 घंटे में करता है, हमने टोटल काम मान लिया 24 पेज का, कि राम से भी 24 पेज पढ़वाना है, श्याम से भी 24, तो 8 घंटे में 24, तो 1 घंटे में 3 पेज पड़ेगा, ये 1 घंटे में 2 पेज, ये इन दोनों की इफिशियंसी आ गई, कार्य क्षमता। तो हमें 24 पेज काम करवाना था, किससे काम करवाना था, दोनों से मिलके, तो दोनों से भाग दे। अब इसी क्वेश्चन को आपको करना है, तो आप देखो कि थोड़ा शॉर्ट हम करते हैं इसे ताकि आपको जो है धीरे धीरे चीजें और ज्यादा क्लियर हो, है ना। देखो ये राम का लिखा 8 घंटे, श्याम का लिखा 12 घंटे, दोनों का एलसीएम ले लिया 24 आ गया था, तो इफिशियंसी हमने देख ली कितनी आ गई, है ना, यहाँ लिख लिया था, ये टोटल वर्क आ गया 24, इफिशियंसी देखो 3 और यहाँ से कितनी आ गई 2। अब 24 काम हमें करवाना है, जिससे भी काम करवाना है उनकी इफिशियंसी से भाग दे दो, बस और कुछ है, दोनों से करवाना है, तो 3 और 2 मिलाकर कितना हुआ 5, तो ये हमारा आंसर हो गया।
इतना टाइम लगेगा। क्लियर सभी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये वाला करके बताइएगा जल्दी। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है सभी का। चलो ये वाला बताइए जल्दी से। रीता गीता एंड संगीता कैन डू अ वर्क इन 10 आवर्स, 12 आवर्स एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी आवर्स विल दे फिनिश द वर्क टुगेदर, है ना। यहाँ भी सेम क्वेश्चन वैसे ही है। तो यहाँ पर अगर हमने बात किया तो यहाँ है रीता और गीता और संगीता, इनमें अगर हमने देखा तो ये 10 घंटे, ये जो है इसका काम 12 घंटे, और ये जो है इसका काम जो है 15 घंटे का, है ना। यहां से हम पहले टोटल इफिशियंसी के साथ साथ जो है पहले मानेंगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या मानना है ताकि इनका एलसीएम मान लो हमेशा ये ध्यान रखें। तो इनका एलसीएम कितना है 60। तो हमने मान लिया 60 एक ऐसा नंबर है जो हमारा जो है पूरा यहाँ पर सेटिस्फाइड करेगा। मान लो इन तीनों से 60 पेज पढ़वाना है, ये 10 घंटे में पढ़ती है, 12 घंटे में, 15 घंटे, तो इनकी इफिशियंसी लिख लें। तो 10 घंटे में 60, तो 1 घंटे में कितना, 60/10 करो, या फिर क्या करो यहां से यहां जाने का रास्ता देख लिया करो। 10 में क्या मल्टीप्लाई करें 60 है तो 6, तो 6 पेज पर डे ये इसकी इफिशियंसी हो गई। यहां देखो 12 से 60 में तो 5 पेज पर डे, फिर 15 में क्या मल्टीप्लाई करें 60,000 तो 4 पेज पर डे, ये इनकी इफिशियंसी हो गई। अब तीनों से मिलकर काम करवाना है तो देखो 60 काम जो हमारा है टाइम निकालना है ना हमें, तो टाइम निकालना है तो 60 को जिस तीनों से मिलकर काम करवाना उससे भाग दे दो, 6 से 5 से 4 से, तो तीनों का सम करो कितना गया, 6 4 10 और 5 15, तो 15 पेज पर डे के हिसाब से इनसे काम करवाना है 60 पेज का। तो देखो कितना जाएगा पेज से पेज का आंसर, तो आंसर आ गया 4 दिन, 4 दिन में पूरा काम कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका आंसर आ गया। क्लियर है सभी को? 5 नहीं आएगा, 4 आएगा। शिव कुमार जी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। क्लियर सभी को? अब ये देखो ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जब आप एग्जाम में करो ना तो आप ये चीजें हटा सकते हो, ये पेज पर डे ये चीजें मत लिखो, है ना। ये पूरा मैं सिस्टमेटिक इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए, और कुछ 10 घंटे 12 घंटे, तो एक एक इफिशियंसी लिख के और हमने इस टाइप से कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं हम, चले नेक्स्ट, है ना। जो लोग ट्राई कर रहे हैं तो उनको ये चीजें ये टॉपिक बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये भी, और जो बिल्कुल खासकर बस बैठ के देख रहे हैं तो दिक्कत आएगी, है ना। कोशिश करो थोड़ा बहुत जो भी लग रहा हो जितना दिमाग में आ रहा है उतना ही क्वेश्चन ही समझ लो, उतना काफी है ना, बाकी चीजें आप अप्लाई करो। फिर ए और बी एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में, बी और सी जो है 20 दिन में, है ना। और ए बी हो गया यहाँ से, बी सी हो गया, और सी ए लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ए बी बी सी, और यहां पर हम लिख देते ए एंड सी, है ना, ये सही है ठीक है, ए एंड सी, और यहाँ ए बी हो गया, बी सी हो गया, और यहाँ पर ए एंड सी, ए और सी 20 दिन में करते हैं। तो ए बी सी मिलकर कितने दिनों में आधा काम पूरा करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ से, तो यहां से अगर हम देखते हैं कि जैसे बोला गया है ए और बी मिलकर जो है कोई काम करते हैं, तो यहां से कितना बोला है 12 दिन में, बी और सी कितने दिन में करते हैं, तो बी और सी मिलकर जो है 15 दिन में कर देते हैं, और सी और ए मिलकर जो है काम को कर देते हैं हमारा कितने दिन बोला गया है इसमें, 20 दिन, ठीक है। आप बताओ पहले टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना जाएगा, 12 15 20 60 पेज का, ठीक है, 60 पेज का काम करवाना है इनसे। अब आगे क्या बोला गया देखो, यहाँ से इफिशियंसी लेते हैं तो 12 दिन में 60, तो 1 दिन में कितना 5 पेज पर डे, ठीक है, 15 दिन में 60 तो 4 पेज पर डे दोनों मिलकर, और 20 दिन में ये तो 3 पेज पर डे, ये हमारी इफिशियंसी आ गई तीनों की, ए प्लस बी की, बी प्लस सी की, सी प्लस ए की, है ना, एक एक दिन की इफिशियंसी आ गई। अब तीनों से काम करवाना है तो आप देखो इन सबको ऐड करो पहले, तो आपको पता चलेगा कि यहां पर आपने ऐड किया तो आपको मिलेगा ए बी सी, दो बार है सभी, तो मैंने 2 कॉमन लिया, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और इनकी 1 दिन की इफिशियंसी हमें मिली, कितनी मिली, 5 4 9 और 3 12, तो 12 पेज पर डे के हिसाब से ये तीनों मिलकर पढ़ते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 से हमने काटा 12 को, तो 6 आ गया, तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का जो काम है 6 पेज पर डे का आ गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो
तो हमसे काम कितना करवाना है? आधा काम करवाना है, पूरा नहीं करवाना है, ध्यान रखना है ना। तो 60 काम नहीं करवाना है हमें, टोटल वर्क कितना करवाना है? तो हमें टोटल वर्क 30 पेज ही काम करवाना है, आधा काम है ना, ये टोटल वर्क हाफ करवाना है। अब किससे करवाना है? तीनों से मिलकर। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है? 6 पेज पर डे, बस इससे डिवाइड कर दो। तो 6 पेज पर डे से डिवाइड किया आपने तो आंसर कितना आ गया? 5 दिन। तो 5 दिन में ये क्या कर देंगे? पूरा आधा काम कर देंगे। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर डी, बहुत शानदार, सभी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलो है ना, ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक। अब मान लो कभी ऐसा भी समझेगा, हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप इन तीनों का सम करो और यहाँ पर जो है 2 से डिवाइड नहीं हो रही संख्या। तो आप क्या करो कि आप चाहे ना तो यहाँ पर जो भी चीजें दिख रही है आप टोटल वर्क को ही डबल कर लो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी है ना। ये कभी इस टाइप से आ जाए तो ये ध्यान रखना। मान लो यहाँ 11 आता तीनों की एफिशिएंसी यहाँ मिला के, तो आप क्या करते कि यहाँ 60 पेज की जगह 120 टोटल वर्क लेके काम करोगे, तो आपका फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी और आप डायरेक्ट कर पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4। राम और श्याम एक काम को 10 दिन में, श्याम और मोहन 15 दिन में, मोहन और राम 20 दिन में, तो मोहन को इसे कितने दिन में लगेंगे करने में, है ना। चलो देखा जाए यहां से। राम और श्याम, देखो राम और श्याम जो है एक दिन में जो है, अच्छा 10 दिन में एक काम करते हैं, और श्याम और मोहन, श्याम और मोहन ये जो है 15 दिनों में काम को कर देते हैं, 15 दिन में। और जबकि मोहन और राम, मोहन और राम ये जो है 20 दिन में काम को कर देते हैं। तो मोहन को इसे करने में कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क मान लेते हैं जल्दी से, तो ये आ गया 60 पेज का मान लिया हमने टोटल वर्क, टोटल वर्क आ गया। अब आगे क्या बोला गया है यहां से समझिएगा ना, 10 दिन में इतना है, 10 दिन में 60 पेज, तो एक दिन में कितना जाएगा? तो 6 पेज पर डे, ये इसकी इफिशियंसी। यहां से आपने देखा 15 से 4 पेज पर डे आ गया इसकी इफिशियंसी, फिर 20 से 60 पे जाने का रास्ता 3 पेज पर डे, ठीक है, ये इनकी इफिशियंसी आ गई, कार्यक्षमता। अब हमने देखा है कि हमें काम किससे करवाना है, मोहन को इससे करने में कितने दिन लगेंगे, तो मोहन की इफिशियंसी चाहिए। अब देखो ये राम और श्याम की इफिशियंसी 6 है, श्याम और मोहन की 4 है, मोहन और राम की 3 है। आप क्या करो सभी को 8 कर दो, देखते हैं सभी को 8 किया तो राम श्याम और मोहन सभी दो दो बार है, तो मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो इनकी एक दिन की जो है इफिशियंसी देखते हैं कितनी आ रही, 6 4 10 और 3 13 आ गई। अब देखो यहाँ पर बोला था मैंने कि यहाँ पर इस टाइप से आए तो क्या करोगे, चलो ठीक है। अभी मान लो आपने ऐसा ही मेथड से किया, 13 पेज पर डे की इनकी इफिशियंसी आ गई, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि आप देखो कि आपको करवाना किससे काम है, मोहन को इसे करने में कितना टाइम लगेगा। अब मोहन से काम करवाना है, मोहन से, तो आप क्या करो कि या तो देखो राम श्याम और मोहन की एक दिन की इफिशियंसी निकाल लो, तो एक दिन की यहां से 2 से डिवाइड कर, तो मैं यहां लिख देता हूं राम श्याम और मोहन इनकी एक दिन की इफिशियंसी कितनी आ गई है? 13/2, 13/2 है ना, या फिर आप 6.5 भी बोल सकते हो, पेज पर डे की इफिशियंसी आ गई। तो हमें देखो कि यहां पर राम श्याम मोहन की एक दिन की 6.5 मिली, और अगर हमें देखो कि यहाँ मोहन की निकालना है तो क्यों ना इसमें से हम माइनस कर दें, ऐसा भी कर सकते हो। तो यहाँ से राम और श्याम की एक दिन की इफिशियंसी कितनी है? 6, ये आपको गिवन है। राम और श्याम की जो इफिशियंसी है एक दिन की, ये दी गई है 6 पेज पर डे, ये आपको दिया है। तो आप बताओ कि जो राम और श्याम की हमने देखा यहाँ से एक दिन की इफिशियंसी 6 पेज, तो यहाँ मोहन की कितनी आ जाएगी? तो मोहन की आ जाएगी यहाँ से, तो देखो 6.5 में से आपने 6 को माइनस किया, या 6 में क्या जोड़े कि 6.5 आ गया, तो मोहन की इफिशियंसी कितनी आ गई कि 0.5 पेज पर डे की इफिशियंसी है ना, ये आ गया। तो अब टोटल काम जिससे करवाना है उससे भाग दे दो, तो हमें काम करवाना है मोहन से, तो 60 पेज, और मोहन की इफिशियंसी कितनी है? 0.5 पेज पर डे, तो आंसर आ गया। देखो ये 5 से काटोगे ऊपर तो ये डेसिमल चल जाएगा, 1 0 लग जाएगी, और 5 से जाएगा यहाँ से 120 बार, तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हाँ जी रोहित शर्मा, बिल्कुल आप ले सकते हो 60 के अलावा, वो अभी मैं बताता हूँ। एक तो देखो ये मेथड है जो हमने किया। अब मान लो कभी आपको यहाँ पर देखो इस टाइप से चीजें आ जाए ना, तो थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाओ, क्या करोगे? इस 60 की जगह 120 लेके करो, देखो क्या होगा उससे, है ना।
मैंने बोला कि हम 60 नहीं ले रहे हैं, इस बार ले रहे हैं टोटल हमारा जो है कितना ले रहे हैं, 20, 120 ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता भी चले कि हमें क्या क्या चीजें हो सकती है। तो मैंने क्या माना कि इस बार हमारा टोटल काम मान लिया कि 120 मान लिया, 120 पेज का है ना। देखो 10 दिन में 120 पेज, तो एक दिन में कितना 12, तो 12 पेज, ये इसकी इफिशियंसी। 15 दिन में 120, तो एक दिन में कितना 8, फिर 20 दिन में 20 × 6 आ जाएगा, तो एक दिन की इफिशियंसी देखो कितनी आ गई, 12 और 8 20 और 6 कितना आ गया 26, तो एक दिन में आ गया 26 पेज पर डे के हिसाब से इन तीनों की, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ इतना, तो आप देखो कि राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन, इनकी एक दिन का काम कितना हुआ, 13 पेज पर डे हुआ है क्या, है ना। अब देखो डेसिमल में नहीं आया, अब एक दिन में देखो राम श्याम मोहन का यहाँ पर आ चुका है काम कितना कि 13 पेज पर डे, तीनों मिलकर, तीनों मिलकर 13 पेज, और राम और श्याम सिर्फ मिलकर 12 पेज। तो आपको समझ में आ गया कुछ, राम श्याम मोहन ये तीनों मिलकर जो है एक दिन में 13 पेज पर डे पढ़ते हैं, है ना। और राम और श्याम की इफिशियंसी देखो यहाँ पर कितनी आई, 12 आई ना, ये कितनी आई है 12 पेज पर डे। तो आप बताओ कि मोहन की इफिशियंसी कितनी आएगी, तो 12 में क्या जोड़े कि 13 आ जाए, तो आ जाएगी मोहन की एफिशिएंसी 1 पेज पर डे, ठीक है। तो हमें देखो 120 पेज काम कराना था, जिससे कराना है उसकी एफिशिएंसी से भाग दे दो, तो 1 से भाग दे दो, तो आंसर कितना आ गया आपका, तो आंसर आ गया आपका 120 दिन, ठीक है, 120। देखो यहां से भी हो गया, तो यही मैं आपको बताने वाला था लास्ट क्वेश्चन में कि जब इस टाइप से सवाल आ जाए, आपको दिखे कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो उसी समय आप क्या करो, इसको डबल कर दो। डबल करोगे ना, तो यहाँ देखो कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आई, आपको इतना यहाँ बस ये लिखना जरूरी है ना, नहीं तो आप गलत कर दोगे। दूसरा ये कि आप ये चीजें मत लिखो, आप डायरेक्ट यहीं से देखो कि जब हमें पता चला कि इनकी इफिशियंसी 26 है, तो 2 से काटा 13, तो तीनों मिलकर 13 है, और ये सिर्फ दोनों मिलकर 12 है, तो मोहन की कितनी आ जाएगी, 13 − 12 1, तो 120 में 1 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 120। चलो नेक्स्ट, अगर ए अकेले किसी काम को 72 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में कर लेते हैं। हाँ जी, क्या करेंगे यहाँ पर, अब बताइए। ए अकेले किसी काम को 72 दिन में कर सकता है ना, और बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा अगर दोनों मिलकर उस काम को 40 दिन में करते हैं। तो अब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपको वैरायटी चेंज मिलेगी, है ना, तो देखते हैं, जैसा बोला गया वैसा लिखते हैं। यदि ए जो है अकेले किसी काम को 72 दिन में करता है, ये लिख लिया हमने 72, और बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा अगर दोनों मिलकर, दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी मिलकर उस काम को 40 दिन में कर लेते हैं, ये लिख लिया आपने पहले। अब यहां से हम देखेंगे पहले हमारा टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 72 और 40 है, तो एलसीएम लेते हैं पहले, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम लेने का तरीका मैंने बता चुका हूँ। सबसे बड़ा नंबर देखो यहाँ पर कौन है, 72, 72 को ऐसा लिखा 8 × 9, ठीक है। फिर 40 में देखो क्या आता है, 8 × 5 आता है, तो 8 तो यहाँ पर है, 5 नहीं है ना, बस 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। तो 8 × 5 करो 40, 40 × 9 करो 360, तो 360 पेज का हमारा टोटल काम है, ठीक है। अब यहां से हम इनकी इफिशियंसी देखते हैं, 72 दिन में 360 पेज है, तो एक दिन में कितना आएगा, तो यहां से देखो 8 × 9 ये 72 था ना, तो बचा कितना है यहाँ पर 5, तो बस ये 5 लिख दिया, तो 5 पेज पर डे की इसकी इफिशियंसी। 40 दिन, देखो 8 × 5 40 है, तो बचा कितना है यहाँ पर 9 पेज पर डे, क्लियर सभी को। तो यहाँ से क्या आपको कैलकुलेशन नहीं मिलेगी, बस ये इससे कंपेयर करो, 72 है, एक्स्ट्रा कौन है 5 है, 40 है, 40 में देखो एक्स्ट्रा कौन है 9 है, तो ये आ गया। अब आपको बताना है बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो देखो ये टाइम निकालना है, तो 360 पेज जो है टोटल वर्क, जिससे काम कराना उसकी इफिशियंसी से भाग दे दो, बी से काम कराना है, तो बी की इफिशियंसी बताओ क्या है। तो आपने नोटिस किया यहाँ कि ए की जो इफिशियंसी है वो 5 है, ए की इफिशियंसी 5 है, वो दोनों की मिलकर 9 हुई, तो आप बताओ ए की इफिशियंसी 5 है, तो बी की कितना होना चाहिए कि 9 हो जाए यहाँ से। तो आपने देखा बी की होना चाहिए 4 पेज पर डे की इफिशियंसी, तो ये पता चला, बस इससे डिवाइड कर दो, तो 4 पेज पर डे से आप डिवाइड करोगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 90 डेज, 90 दिन में जो है ये पूरा काम हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है इतना, है ना। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो ए की इफिशियंसी थी 5,
ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी देखो कितनी है, 9 है ना, तो 5 में क्या जोड़े कि 9,000, तो बी की एफिशिएंसी पता चल गई 4, तो बी की एफिशिएंसी से काम कराना था, जिससे काम कराना उसकी एफिशिएंसी से भाग दे दो, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। हाँ जी ये वाला करिए, ए कैन कंप्लीट 50% ऑफ जॉब इन 9 days एंड बी कैन कंप्लीट 25% ऑफ जॉब इन 9 days इफ दे वर्क अलोन, इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच द जॉब इन परसेंटेज कैन टुगेदर इन 9 days। बोलो क्या आंसर आएगा यहाँ पर। देखो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, क्या है कि आप यहाँ पर देखो एक मेथड जो है आप यूज भी कर सकते हो, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ कि जब फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ तो उसे कैसे ब्रेक करना, पर इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट यही देखो कि ए जो है पूरा 50% काम 9 दिन में करता है, वो बी जो है वही 25% काम को 9 दिन में कर रहा है, तो आपसे ये पूछा गया है कि दोनों मिलकर जो है 9 दिन में कितने परसेंट काम करेंगे, तो आपने देखा ए जो है 50% काम कर रहा है ये 9 दिन में, और बी जो है 9 दिन में जो है 25% काम कर रहा है, तो आपसे पूछा गया ए प्लस बी 9 दिन में कितना काम करेंगे, तो 50 और 25 कितना हो गया 75% काम कर देंगे, ऑप्शन नंबर आ गया। ठीक है तो दोनों का 9 दिन का पूछा है तो ये हमें पता चल गया 50 कर रहा है 25 कर रहा है 75 काम हो जाएगा। ठीक है 75, बहुत शानदार सभी का आंसर भी, चलो ठीक है ऑप्शन नंबर बी ये वाला करिएगा। अब देखो ये फ्रैक्शन वाले जब सवाल आते हैं तो आपको क्या करना है ना कि यहाँ पर आपसे बोला गया ए जो है ए कैन कल्टीवेट 2/5 ऑफ लैंड इन 6 डे, एक एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिन में, और बी जो है जमीन का 1/3 भाग 10 दिन में जो है उसे जोत सकता है, तो ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग जमीन को कितने दिन में जोतेंगे, है ना। चलो देखते हैं, देखो आपको मैंने पहले बताया है कि जब भी क्या है कि इस टाइप से सवाल आता है तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करो कि ये 2/5 है 1/3 है, तो इसको हमें यूज करना है। अब कैसे यूज करना है समझिएगा, हमेशा हमने परसेंटेज में पढ़ा है कि कोई भी चीज 100% प्रतिशत में 1 के बराबर होती, ये सभी को पता है, ये परसेंटेज में होती ये फ्रैक्शन में होती है ना, कोई भी चीज 100% या फ्रैक्शन में आप बोल सकते हो वर्ग, ये इक्वल होती है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो बोला गया उसके अकॉर्डिंग ए के बारे में बोला गया, ए जो है 2/5 भाग 6 दिन में करता है, ए 2/5 भाग 6 दिन में करता है, तो आप बताओ कि 1 भाग पूरा करने में कितना टाइम लेगा, 1 भाग मतलब समझ गए ना 100% भाग करने में कितना टाइम लेगा, तो पूरा काम कितने टाइम में होगा, तो आपने देखा 2 से 6 को काट दो 3 3 × 5 कितना गया 15, इसका मतलब क्या हुआ ए 100% काम हमारा 15 दिन में करता है, तो ए के बारे में पता चला कि ए जो है हमारा ये जो है 15 दिन में पूरा काम करता है, बी देखो बी के बारे में क्या बोला है, बी जो है 1/3 भाग जो है कितने दिन में कर रहा है वहां पर 10 दिन में, तो बी का 1 भाग का काम बताओ कितना होगा, 1 भाग मतलब 100% तो 30 दिन में, तो ये हमें पता चला कि बी जो है पूरा काम 30 दिन में कर देता है। ठीक है अब साथ में बोला क्या गया है ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग को जोतना है, क्या इतना क्लियर है सभी को, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें, पहले बताओ। आप क्या करो सीधा हमेशा ध्यान रखना कि 100% जो है हमारा 1 के बराबर होता है, तो हमने क्या किया 2/5 भाग 6 दिन में, तो 1 भाग जो है 15, फिर यहाँ से आ गया 30। अब यही चीजें आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप यहाँ देखो 2/5 भाग 6 दिन में, 2 से 6 को काटो 3 × 5 15, तो ए 15 दिन में कर रहा है, बी में देखो 1/3 भाग बराबर 10, तो 3 × 10 30, तो ये लिख दिया आपने। अब एलसीएम ले लो इनका, 30 काम हो गया टोटल, इसकी इफिशियंसी देखो 15 दिन में 30, तो एक दिन में कितना जाएगा 2 पेज पर डे, और यहाँ पर 1 पेज पर डे, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अब हमें देखो कि काम पूरा 30 नहीं करवाना, ये ध्यान रखना है ना, गलती बहुत जल्दी होती है, ये समझो ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग को ही काम करवाना है, तो 30 का 4/5 भाग है इसको करवाना है हमें, तो देखते हैं, तो हमें जो टोटल वर्क करवाना है वो हमें करवाना है 30 का 4/5 भाग, और जिससे करवाना उससे डिवाइड कर दो, तो जिससे डिवाइड करना किससे बोला गया है यहाँ से ए और बी एक साथ, और ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई देखो 2 और 1 3, 3 से डिवाइड कर दो, तो हमें यहाँ से मिल गया 5 से आपने इसे काटा 6 बार, और 6 × 4 करोगे 24, और 24 में क्या करोगे फिर यहाँ से जो है फिर 3 से और डिवाइड कर दोगे यहाँ से,
24 आ गया और ये 3, तो कितना आ गया 8। तो आंसर कितना आ गया 8। क्लियर है सभी को, ए आ जाएगा इसका आंसर, है ना। एक बार और रिपीट करता हूँ, ये समझिएगा। आपको जो बोला गया है ना, इसमें क्या बोला गया है कि एक दिन में दो काम कर रहा है, एक दिन में एक। तो आप देखो, आपको 30 काम नहीं करवाना, आपको 4/5 भाग काम कराना, मतलब टोटल 30 में से हमें सिर्फ काम करवाना है 24, और 24 भाग जो है 2 और 1 3 से मिलकर कराना है। तो कितने दिन लगेंगे? 8 दिन लग जाएंगे। ये वाला बताइएगा, राहुल और प्रीतम कंप्लीट करते एक वर्क को 10 दिन 15 दिन, दे स्टार्टेड डू द वर्क बट राहुल लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डेज एंड प्रीतम अलोन कंटिन्यूज द वर्क, इन हाउ मेनी डेज हैड प्रीतम कंप्लीट द रेस्ट वर्क। क्या कर सकते हैं इसमें? राहुल और प्रीतम है, 10-15 दिन में करते हैं काम शुरू किया। अब देखो, जब लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं ना, तो आप क्या करो, हमेशा डायग्राम से समझो, तो आपको क्लियरिटी ज्यादा होगी। कैसे बनाओगे डायग्राम वो देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपसे बोला गया राहुल और प्रीतम के बारे में। तो देखो, राहुल जो है 10 दिन में काम कर लेता है और प्रीतम का बोला गया है 15 दिन में। ये लिख दिया हमने पहले, तो ठीक है, पूरा काम कर लेते। दे स्टार्टेड डू द वर्क बट राहुल लेफ्ट। अब यहाँ से शुरुआत करते डायग्राम का। डायग्राम का काम है कि क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों ने स्टार्ट किया काम, ये हमारा काम स्टार्ट हुआ यहाँ से और यहाँ पर हमारा काम पूरा एंड होगा। तो स्टार्टिंग में क्या बोला है वो देखो, उन्होंने काम करना शुरू किया, किस किस ने, राम ने भी और प्रीतम ने भी, दोनों ने मिलकर काम चालू किया, लेकिन राहुल ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। मतलब देखो, यहाँ से जब काम स्टार्ट हुआ तो 2 दिन तक चला, 2 डेज तक चला यहाँ पर, और इसके बाद कौन चला गया यहाँ से, यहाँ से चला गया राहुल, तो बचा कौन है, सिर्फ प्रीतम। तो प्रीतम यहाँ काम करेगा और साथ में जो है प्रीतम ने शेष कार्य को कितने दिन में किया यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। ये ऐसा डायग्राम बना लिया करो ताकि आपको सब कुछ चीजें क्लियर हो। अब पहले यहाँ से क्या करते हैं, हमारा एलसीएम ले लेते हैं, तो टोटल आ गया हमारा 30। एफिशिएंसी अगर हम देखें तो 10 पेज 10 दिन में 30 पेज, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा 3 पेज पर डे, है ना। फिर यहाँ पर 15 से 2 पेज पर डे के हिसाब से पढ़ रहा है, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अब आप देखो कि इन्होंने मिलकर, राम और प्रीतम ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में काम कितना हुआ वो देखो, यहाँ पर 3 हुआ, यहाँ 2 हुआ, तो 1 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करे, 5। 1 दिन में 5 करे तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, तो 2 दिन में यहाँ बोल दोगे कि यहाँ पर हमारा काम कितना हो गया, 10 काम हो गया। क्लियर सभी को, ये समझ में आया क्या कि 1 दिन की अगर हम बात करें, दोनों मिलकर 5 काम करें, तो 2 दिन दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, तो 2 दिन में 10 काम हो गया। अब देखो, 10 पेज का काम हो गया आपका। अब साथ में क्या बोला, टोटल हमारा काम यहाँ से यहाँ तक था 30 पेज का, 30 में से 10 पेज यहाँ हो गए, तो बचे कितने हैं, तो शेष हमें काम करवाना है वो कितना है कि 20 पेज का काम करवाना है, और किससे करवाना है, प्रीतम से करवाना है, क्योंकि राहुल तो चला गया है, तो 20 पेज जो है ये काम करवाना है। प्रीतम की इफिशियंसी देखो क्या है, तो उसकी इफिशियंसी यहाँ से 2, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कि 2 से जाएगा 10वां, तो ये जो प्रीतम है इसे 10 दिन में यहाँ से यहाँ तक अकेला काम कर देगा। और यही आपसे पूछा गया था कि प्रीतम शेष भाग को कितने दिन में करेगा, 10 आएगा, ठीक है, 12 नहीं आएगा 10 आएगा। क्लियर सभी को, एक बार और रिपीट करता हूँ, 10 दिन में 30 पेज है, 1 दिन में आपने देखा 3 पेज पर डे के हिसाब से, तो 1 दिन में टोटल दोनों मिलकर कितना कर रहे, 5, दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो आप देखो कि यहाँ पर 30 में से 10 काम हो गया, बचा कितना है, 20 पेज, वो 20 पेज किससे करवाना है, 20 पेज जिससे करवाना है उसकी इफिशियंसी से भाग दे दो, तो प्रीतम से करवाना है तो 2 से भाग दे दो, आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि काम कितने दिन में हुआ पूरा, तो आप देखो 10 दिन इसने लिए, 2 दिन उन्होंने लिए, तो टोटल काम हुआ 12 दिन, ठीक है। चलो ये वाला बताइए, जयंती कैन डू अ वर्क इन 20 डेज एंड सीमा जो है कैन डू इट इन 40 डेज। जयंती एक काम को 20 दिन में करती है, सीमा 40 दिन में करती है, जयंती 10 दिन अकेले काम करती है और काम छोड़ देती है, और शेष काम को सीमा अकेले कितने दिन में पूरा करेगी, ये आपको बताना है ना। तो ये भी हमारा डायग्राम से समझ सकते हो, आप प्रैक्टिस हो जाए तो जरूरी नहीं डायग्राम बनाना आपको। तो हमने लिखा कि जयंती के बारे में, जयंती एक काम को 20 दिन में कर देती है, सीमा उसे 40 दिन में कर देती है, ये लिख दिया आपने। फिर इसके बाद बोला है
कि जयंती ने 10 दिन अकेले काम किया। तो स्टार्ट करते हैं डायग्राम से, तो यहाँ पर हमारा जो काम था स्टार्ट हुआ है यहाँ से, और यहाँ पर हम मान लेते हैं एंड हुआ। तो यहाँ पर काम किसने स्टार्ट किया? जयंती ने। और जयंती ने काम तो स्टार्ट किया, बोला है 10 दिन अकेले काम किया, इसने 10 दिन अकेले काम किया और काम छोड़ दिया, ये चली गई यहाँ से जयंती बाहर। फिर बचा कौन है यहाँ से, कि इसमें बोला गया है सीमा अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो यहाँ पर अब काम कौन करेगी? सीमा। सीमा जो है अब जो भी काम बचा होगा उसे अकेले कितने टाइम में पूरा कर देगी। ठीक है, तो देखो टोटल काम हमारा कितना आ गया, 40। 40 पेज का मान लो टोटल काम है, इनसे काम करवाना है, 40 पेज पढ़वाना है। तो एक दिन की इफिशियंसी कितनी आ गई, 20 दिन में 40 है, तो एक दिन में कितना। तो आप देखो यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता क्या मिला आपको, तो आपको रास्ता मिला है कि बस दो का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पेज पर डे के हिसाब से इसकी इफिशियंसी आ गई। यहाँ आपने देखा 40 दिन में 40 पेज, तो एक दिन में कितना आ जाएगा, 1 पेज पर डे। तो ये दोनों की इफिशियंसी आ गई। अब साथ में क्या बोला गया, देखो जयंती ने 10 दिन काम किया, काम हमारा टोटल है 40, तो यहां से यहां तक हमें काम करवाना है 40 पेज का। तो जयंती ने कितना किया, 10 दिन। तो जयंती की इफिशियंसी बताओ कहाँ है, तो जयंती की इफिशियंसी आपको दिखी कि जयंती की इफिशियंसी ये वाली, एक दिन में 2 काम करती है, तो 10 दिन में कितना कर देगी, 20 काम। तो यहाँ जयंती ने 20 पेज का काम कर दिया, तो बचा कितना, तो शेष हमारा बचा है 20 पेज, और जो कौन करेगा वो सीमा से करवाना। तो सीमा की इफिशियंसी देख लो, सीमा की इफिशियंसी है 1। तो यहां से हमने देखा कि 20 पेज काम करवाना है और उसकी इफिशियंसी से भाग दे दो 1 पेज पर डे से, तो पेज से पेज गया, आंसर कितना आ गया, 20 दिन। अब जो पूछा गया वो बताना है ना, शेष काम को सीमा अकेले कितने दिन में पूरा करेगी, तो शेष काम को कितने दिन में कर रही है, 20 दिन में, तो आंसर आ गया 20 दिन में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल है ना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल बताओ कितने दिन में हुआ काम, तो 20 दिन यहाँ लगे, 10 दिन यहाँ लगे, तो टोटल 30 दिन में काम होगा, ये ध्यान रखना। क्या क्लियर है इतना सभी को, है ना, ऑप्शन नंबर ए बहुत शानदार। चलो नेक्स्ट, ए और बी अलग अलग एक दीवार को 10 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं, बी उस काम को कितने दिन पहले छोड़ देगा कि दीवार को कुल 8 दिनों में पूरा कर लिया जाए, है ना। अब ये वाला करिएगा जल्दी से, ठीक है, सभी में थोड़ी थोड़ी वैरायटी चेंज है, एक जैसे क्वेश्चन नहीं लिया ना। चलो देखते हैं यहां से कितना जाएगा ये वाला, ए और बी अलग अलग एक दीवार को 10 दिन और 15 दिन में बनाते हैं। तो देखा हमने ए ने जो है 10 दिन में और बी ने जो है 15 दिन में बनाते हैं, फिर बी उस काम को कितने दिन पहले छोड़ेगा। तो देखो काम स्टार्ट यहां से हुआ था, यहां हो रहा है एंड, तो इसने बोला है कि बी कब छोड़ देगा कि दीवार को कुल 8 दिनों में पूरा कर लिया जाए। अब यहां से देखो दोनों ने स्टार्ट किया, मतलब पहले, मतलब ए ने भी काम किया बी ने भी काम किया, यहां से बी कब चला जाए कितने दिन पहले, बाकी काम कौन करेगा, ए चेक करेगा ना, बी चला जाएगा, तो ये पूरा काम कितने दिन में हो जाना चाहिए, 8 दिन में। मतलब यहां से यहां तक आपको दिया गया है 8 दिन में पूरा काम हो जाना चाहिए, 8 डेज, यहां से यहां तक ये डेज। ठीक है, क्लियर सभी को। तो यहां से हम करेंगे एलसीएम लिया आपने 30 पेज का, यहां देखो 10 दिन में 30, तो एक दिन में कितना जाएगा, 3 पेज पर डे, ये इसकी इफिशियंसी। यहाँ आपने देखा 15 दिन में 30, तो एक दिन में कितना जाएगा, 2 पेज पर डे के इफिशियंसी। अब यहाँ से हमने देखा कि एक्चुअल में बी जो है बीच में से भाग रहा है, लेकिन शुरू से एंड तक काम कौन कर रहा है, तो शुरू से एंड तक काम कर रहा है ए देखो यहाँ पर भी काम कर रहा है ना, ए यहाँ भी काम कर रहा है पूरी जगह, और ए यहाँ भी कर रहा है, तो शुरू से एंड तक ए काम कर रहा है, और ए ने भी 8 दिन काम किया होगा, तो ए का 8 दिन का काम बताओ कितना होगा। तो ए की इफिशियंसी ये है 3, ए एक दिन में 3 पेज काम करता है, तो 8 दिन में कितना करेगा, तो 8 × 3 = 24 काम कर देगा। तो ए के द्वारा जो काम हुआ, ए ने जो काम किया 24 काम कर दिया पूरा, 24 पेज का, ठीक है, 8 दिन में। अब बचा कितना है, तो आप देखो शेष कितना बचेगा, हमारा काम 30 पेज का है, तो 30 में से 24 मतलब 6 का। अब ये बचा काम कौन करेगा, जब हमने ए को यहां भी कैलकुलेट कर लिया यहां भी, तो बचा कौन है, बी कर रहा है, तो बी की इफिशियंसी देखो क्या है, तो बी जो है एक दिन में 2 पेज काम करता है, तो यहाँ पर हमने बी को कितना टाइम लगेगा उससे इफिशियंसी से भाग दे दो। तो यहाँ से आपने देखा कि आ जाएगा 3, तो आ गया 3 दिन। इसका मतलब क्या है कि
बी ने जो है यहाँ पर 3 दिन तक काम किया था, और यही हमारा आंसर है। अब पूछा क्या गया वो भी देख लो, है ना। तो बी ने जो है यहाँ पर कितने दिन काम किया है, 3 दिन। अब यहां से हमें बोला गया है कि बी उस काम को कितने दिन पहले छोड़े, कितने दिन पहले छोड़े मतलब समझो, देखो कोई काम 8 दिन में पूरा हो रहा है तो इसने 3 दिन ही काम करा है, तो 5 दिन पहले छोड़ना पड़ेगा ना, 5 दिन पहले बी छोड़ेगा तभी काम होगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 5 दिन, है ना, 3 मत लिखना, 3 गलती हो जाएगी। 8 में से 3 कम किया मतलब 5 दिन पहले उसे छोड़ना पड़ेगा, 5 दिन पहले। क्या क्लियर इतना सभी को? ठीक है, ई वाला ऑप्शन नहीं है, है ना। चलो एक बार रिपीट करता हूं, देखो ए और बी ने मिलकर काम किया और बी बीच में से कहीं चला गया और बाकी काम ए ने किया, और काम पूरा 8 दिन में पूरा हुआ, तो यहां से यहां तक 8 दिन में हुआ, तो ए ने यहां भी काम करा, ए ने यहां भी, तो ए ने तो शुरू से लास्ट तक काम किया 8, तो ए की इफिशियंसी है हमारी 3, तो 8 दिन में 24 काम कर देगा। बचा काम कितना है, 6 काम बचा, और 6 काम कौन करेगा, जो बी करेगा, तो 6 काम बी की इफिशियंसी से भाग दिया, तो 3 दिन में यहाँ पर बी ने काम किया, तो बी जो है ना काम एंड होने से 5 दिन पहले छोड़ के चल जाएगा। ठीक है, हाँ जी, ये वाला करिए। चलो देखते हैं, ए के बारे में बोला गया है, ए एक काम को 20 दिन में, और ए अकेले 8 दिनों के लिए, एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ए अकेले 8 दिन के लिए कार्य करता है, और शेष काम बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। चलो ये वाला सवाल भी समझते हैं क्या बोला गया है यहाँ पर। तो यहां पर अगर हम देखें तो इन्होंने काम स्टार्ट किया, और ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ए अकेले 8 दिन के लिए काम करता है, ए ने यहाँ पर 8 दिन काम किया, ठीक है, और शेष काम को बी की सहायता से, जो बचा काम है ना उसको बी की सहायता से 4 दिनों में पूरा करता है, 4 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा ये आपको बताना है। क्लियर सभी को? अब यहां से आप क्या करो, देखो ए के बारे में दिया है लेकिन बी के बारे में तो कुछ नहीं दिया, फिर आप क्या करोगे, तो याद करो मैंने अभी जस्ट बताया था सबसे पहले कि इफिशियंसी इनटू टाइम करोगे तो टोटल वर्क आता है, किसी भी चीज की कार्य क्षमता में जब उसका समय से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क आएगा। तो आप देखो मैंने ए की इफिशियंसी ए मान ली, बी की इफिशियंसी बी मान ली, है ना, ये ध्यान रखना। तो यहां से बोला गया है कि इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क, तो एक काम को 20 दिन में कर रहा है तो ए की इफिशियंसी को मैंने माना ए, और काम 20 दिन में कर रहा है तो ये आ गया 20 दिन, तो इफिशियंसी इनटू टाइम, देखो ये टोटल वर्क हो गया, क्या हो गया, इज इक्वल टू। अब दूसरा टोटल वर्क देखो, ए से हमें 8 दिन काम कराना, बाकी जो है ए और बी से 4 दिन काम कराना, तो ये भी तो टोटल वर्क है। तो यहां देखा हमने ए से हमें 8 दिन काम कराना है और ए और बी दोनों से मिलकर हमें 4 दिन काम कराना है, ठीक है, यही तो बोला गया है। तो यहां भी आपने देखा इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क, यहाँ का यहाँ भी टोटल वर्क, तो ये हमारा पूरा टोटल वर्क बराबर है क्योंकि काम तो पूरा, तो यहाँ से क्या हमें मिलेगी ए और बी की इफिशियंसी। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, है ना, तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या जाएगा, तो देखो ये 4 ए और 8 है, 8 और 4 कितना हो गया 12 है ना, मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, तो 12 ए हो गया प्लस, और ये 4 बी बचा है, और यहाँ पर क्या है 20 ए, 20 में से 12 गया 8 है बराबर 4 बी, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, तो यहां से मिला है 4 और ये 8, तो इफिशियंसी आ गई आपकी 1/2, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता चला कि ए की इफिशियंसी 1 है तो बी की इफिशियंसी आ गई 2। अब यहां पर जो बोला गया है उससे हिसाब से देखो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो अब देखते हैं टोटल वर्क हमारा कितना है, तो टोटल वर्क हमारा कितना है वो देखते हैं ना। तो देखो ए की इफिशियंसी 1, बी की इफिशियंसी 2, तो यहां पर आपने रख दिया ए बराबर 1, तो 1 × 20 मतलब टोटल काम कितना हो गया 20, 1 × 20 तो टोटल काम हो गया 20। अब इसको किससे करवाना है, बी से, तो बी की इफिशियंसी से भाग दे दो, तो बी की इफिशियंसी से हमने भाग दिया तो आंसर कितना आ गया 10, तो ऑप्शन आ गया सी वाला। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को यहाँ पर, है ना। यहां पर देखो कि दोनों के बारे में पहले दिन नहीं दिया था इसीलिए हमने इसका यूज किया है, ए जो है 20 दिन में काम करता है तो ये टोटल वर्क हो गया है, वही काम को ए अकेले 8 दिन में कर सकता है, और साथ में जो है
बी के साथ मिलकर 4 दिन में करता है। तो यहां से हमने ए और बी की इफिशियंसी निकाली, 1 और 2। आप चाहे यहां पर रख दो या यहां रख दो, काम आपका 20 ही आएगा, है ना। ए और बी की वैल्यू 1 और 2 रख देना, तो यहाँ टोटल काम आ गया 20। 20 काम को जिससे करवाना उसकी उससे भाग दे दो इफिशियंसी से, तो बी की इफिशियंसी कितनी है 2, तो 2 से भाग दे दिया, आंसर आ गया 10। क्लियर है, मैंने रिपीट कर दिया, क्लियर सभी को, है ना। बस यहां पर ये चीजों का ध्यान रखना है, तो आप इस टाइप से कर सकते हो तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में 2 काम अलग अलग दिए गए थे और कुछ भी नहीं, है ना। अब देखो यहां पर थोड़ा सा आप ये भी आसान कर सकते हो, जब आपको यहां पर बेसिक से चीजें ऐसे कर सकते हो, इस क्वेश्चन को और आसान आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो यहां पर जो डेटा दिया है ना, इतना हमने लिखा है, डायरेक्ट हम ए और बी की इफिशियंसी निकाल सकते हो। देखो ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, ए यहां से मैं ले रहा हूं ना, इसको हटाता हूं और इन दोनों में कंपेयर करना ताकि आपको पता चले कि इसको हम और आसान कर सकते हैं। देखो यहां से बोला गया है कि ए अकेला जो है इस काम को 20 दिन में कर सकता है, ये बोला है ना। तो आप देखो ए तो यहाँ भी काम कर रहा है, ए यहाँ भी काम कर रहा है, तो एक्स्ट्रा काम क्या हो रहा है, तो सिर्फ एक्स्ट्रा काम पे फोकस करो। एक्स्ट्रा काम पे करोगे ना तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। देखो ए का जो है 8 और 4 12 काम, यहाँ भी तो हो रहा है 12 काम, यहाँ भी हो रहा है 20 काम यहाँ। तो आपने देखा कि ए का जो है यहाँ 20 दिन को मैं ब्रेक कर रहा हूँ कि 12 दिन और साथ में 8 दिन। तो आपने देखा कि ए ने 12 दिन यहाँ भी काम किया, ए ने 12 दिन यहाँ भी काम किया, तो बचा काम कौन कर रहा है, बचा काम ऊपर का बी कर रहा है। तो बी का 4 दिन का एक्स्ट्रा का काम, बी का 4 दिन एक्स्ट्रा का काम किसके बराबर होगा, तो ए के 8 दिन के बराबर होगा। तो ए के 8 दिन के बराबर होगा। तो यहां से देखो सिंपलीफाई कर लेते हैं, डे से डे कैंसिल हुआ, 4 से आपने 8 को काट दिया 2 बार, तो ए बटे बी क्या आ गया, देखो ए डिवाइड बाय बी, तो यहां से कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। देखो जो हमने वहां पर किया था वो आप यहाँ डायरेक्ट लिया है। तो आपने देखा एक्स्ट्रा काम क्या हो रहा है, ए ने जो 12 दिन यहाँ पर काम किया है, ए ने 12 दिन यहाँ भी किया, तो उसको तो हटाओ ना। एक्स्ट्रा काम कितना हो रहा है कि ए 8 दिन में जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है वही बी जो है 4 दिन में कर रहा है। तो ए और बी की इफिशियंसी मिल जाएगी 1/2। टोटल हमने देखा कि यहाँ पर हमने रख दिया कि ए जो है 20 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल काम हमारा 20 हो गया, जिससे करवाना उसकी इफिशियंसी से भाग दे दो। तो देखो ये आ गया आंसर 10। ये ज्यादा आसान था, और हम देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस। चलो ये वाला करिएगा, 2 श्रमिकों की क्षमता का अनुपात 3:2 है, एक साथ काम करते हुए यदि वे एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं तो इसे कितने दिन में दोनों मिलकर करेंगे अलग अलग, ठीक है। देखो ये भी आसान है, क्या कर सकते हो इसमें, अभी जस्ट हमने देखा था यहाँ पर, है ना, इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर टोटल वर्क, इसी का यूज करो, है ना। ये देखो मान लो पहले वाले की जो इफिशियंसी 3 है, दूसरे वाले की 2 है, दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, मान लो पहले वाले को मैं नाम दे रहा हूँ ए, दूसरे वाले को बी। अगर एक काम को दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक साथ काम करते हैं तो वे एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो देखा हमने कि ए प्लस बी दोनों मिलकर जो है एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, ये टोटल वर्क हो गया। अब वे इसे अकेले अकेले कितने में करेंगे, तो हमने देखा टोटल वर्क हमारा इतना आ गया, है ना। तो देखो ए की इफिशियंसी कितनी है 3 और बी की 2 है, ये इनकी क्षमता का अनुपात दिया इफिशियंसी, तो मैंने यहाँ रख दिया ए के बारे में 3 रख दिया, बी के बारे में 2। तो देखो 3 + 2 कितना हुआ 5, 5 × 6 मतलब टोटल काम आपका कितना आ गया 30। तो 30 टोटल वर्क है, अब जिससे काम करवाना उसकी इफिशियंसी से भाग दे दो। देखो ए का टाइम चाहिए ना, तो 30 टोटल वर्क है, किससे भाग दोगे, ए की इफिशियंसी से, तो ए की इफिशियंसी कितनी है 3, तो बस 3 से भाग दे दो, तो यहां से कितना आ गया 10। अगर बी का टाइम पूछा गया कि 20 टाइम कितना होगा, तो 30 काम यहाँ भी है, बी की इफिशियंसी से भाग दे दो तो 2 से, तो यहाँ कितना आ गया 15। तो 10 और 15 ऑप्शन नंबर ए वाला आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट वाला। ए कोई काम को बी से डबल सी से 3 गुना अधिक समय में लेता है और एक साथ काम करते हुए वे 2 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो बी द्वारा अकेले काम करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगी।
हाँ जी, ट्राई करिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो आप अभी तक आपको इफिशियंसी दी गई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया गया समय है ना, उस समय दिया गया है, तो आप कैसे करोगे आप समझिएगा। ए जो है बी से 2 गुना समय लेता है, सी से 3 गुना अधिक समय लेता है, एंड एक साथ काम करते हुए 2 दिन में करते हैं। चलो यहां पर अब हम देखते हैं इसके बारे में, ए के बारे में बोला है, बी के बारे में और सी के बारे में। बी से डबल टाइम लग रहा है, देखो टाइम के बारे में क्या बोला है कि बी से इसको डबल टाइम लग रहा है, ये हमने लिखा। फिर सी से 3 गुना समय है ना, यही बोला गया, ए टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज बी एंड थ्राइस एज मच एज टाइम एज सी, और सी से जो है इसे टाइम लग रहा है 3 गुना। ये समय की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, समय की। तो आप देखो कि अगर हमने यहां पर इधर से इधर जाना है, इधर से इधर आना है, तो क्या करेंगे, तो यहां पर आप देखो कि अगर मान लो यहां पर आपने लिया 3 का भी मल्टीप्लाई यहाँ आ रहा है, 2 का भी, तो आप क्या लो 6 ले लो। तो मैंने मान लिया ए की इफिशियंसी 6 हो गई, तो आप बताओ कि यहां से यहां जा रहा है तो 2 का गुणा कर रहे, तो वापस जाओगे तो 2 का भाग दे दो, तो 6 में 2 का डिवाइड किया तो 3 आ गया। देखो ये डबल हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। फिर यहाँ देखो यहां से यहाँ जाने में (3) हो रहा है, तो उधर जाने में (÷3) कर दो, 6 में 3 से डिवाइड कर दो तो 2 आ जाएगा। तो ये क्या आया इनका टाइम, अब ये टाइम आ गया, तो आप बताओ इफिशियंसी कैसे आएगी। बताया था मैंने आपको कि इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, जैसे जैसे इफिशियंसी बढ़ाओगे टाइम कम हो जाएगा, तो एक दूसरे के अपोजिट होती है ना, तो बस यहां पर भी सेम वैसे ही कर लो। तो यहाँ इफिशियंसी कितनी आ गई, 1/6, 1/3 और 1/2। तो यहां से आपने देखा सब में क्या मल्टीप्लाई करें, ये नीचे वाली चीजें हट जा, सब में 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ इफिशियंसी मिली इसकी 1, यहाँ पर मिली 2 और यहाँ पर मिली 3। तो ये हमें पता चला ए बी सी की इफिशियंसी 1:2:3 आ गई। अब जैसे बोला गया वो लिखो यहाँ पर, तो यहाँ क्या बोला गया है कि तीनों एक साथ काम करते हैं, 2 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। तो आप देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक काम को जो है 2 दिन में खत्म करते हैं, ठीक है, ये यहाँ से डेज हटा लेता हूँ, ये समझ जाना, 2 दिन में खत्म करते हैं। तो बी अकेला इसी काम को कितने दिन में करेगा, मान लो एक्स डेज में करेगा, है ना। तो यहाँ देखा 1, 2, 3 है, तो सभी का यहाँ रख दो, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी वैल्यू 1, इसकी 2, इसकी 3, 3, 2, 5 और 1 6 हो गया, तो 6 × 2। बी की इफिशियंसी देखो कितनी है, 2 है, तो बी की इफिशियंसी 2 रख दो (×x), तो यहाँ से 6 × 2 = 12, 2 से 2 कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई 6। तो आंसर बी कितना काम करेगा, तो बी आ जाएगा आपका कि 6 दिन में काम पूरा करेगा, है ना। ये हमने शायद टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड वर्क नहीं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी इस टाइप से थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, इस टाइप से सवाल कि जब अपोजिट आता है तो उसको अपोजिट करके जो है यहाँ पर जब भी नीचे वाली वैल्यू हटाना तो इसी चीज का मल्टीप्लाई करो ताकि ये चीजें हट जाए, आप चाहे एलसीएम ले लो, है ना। तो यहाँ से हमने रख दिया 1, 2, 3 और उसके हिसाब से काम कर लिया, क्योंकि यहाँ भी देखो इफिशियंसी इंटू टाइम टोटल वर्क, यहाँ भी इफिशियंसी इंटू टाइम टोटल वर्क। चलो नेक्स्ट, हमेशा ध्यान रखना यहाँ टाइम को हमने इफिशियंसी में कन्वर्ट किया तभी यहाँ पर हमने इफिशियंसी रखी, ये भी ध्यान रखना है ना, गलती नहीं करना। ये वाला करिएगा, चलो ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में करते हैं, है ना। तो अगर हम यहां से देखें तो क्वेश्चन में जो बोला गया, देखो ए और बी 5 दिन में करते, ए अपनी क्षमता से 2 गुना, अपनी एफिशिएंसी से डबल, और बी जो है और आल्सो 1/3 ऑफ हिज कैपेसिटी, इफ ए वर्क्स ट्वाइस एज मच एज ही कैन एंड आल्सो 1/3 ऑफ हिज कैपेसिटी, द वर्क इज फिनिश्ड इन 3 डेज, देन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन डू द वर्क। ये आपको यहां पर है ना बी की जगह बी कर लेना ना, ये जो है आपको यहां से बी लिख लेना, ठीक है। ए जो है ट्वाइस एज मच एज ही कैन एंड आल्सो 1/3 ऑफ कैपेसिटी, ए यहां लिखना है, यहां इंग्लिश में भी है ना, बी वर्क्स क्या बोला है 1/3,
बी वर्क्स ऑल्सो 1/3 ऑफ हिज कैपेसिटी, बस इतना लिख लेना है ना यहाँ पर। क्लियर सभी को? क्वेश्चन में समझाता हूँ है ना, जब आप नोट्स बनाओ तो ये जो लिखा है वो उसको देख लेना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर टोटल वर्क होता है हमारा, कार्यक्षमता इंटू समय बराबर ये कुल काम। तो ए और बी मिलकर, ए और बी की इफिशियंसी दोनों की ये मान ली, ए और बी मिलकर जो है कोई हो गया टोटल वर्क। और यही काम जो है देखो क्या बोला गया, अगर ए अपनी क्षमता डबल करता है, मतलब ए की इफिशियंसी अगर मान लो 2 है तो डबल कर रहा है, तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप क्या करोगे, यहां हमें इफिशियंसी तो पता नहीं है तो ए अपनी क्षमता से डबल कर रहा है, तो आप देखो कि इसकी इफिशियंसी इतनी हो जाएगी, पहले ए थी अब 2 × ए हो गई। बी जो है अपनी क्षमता के 1/3 गुना से काम कर रहा है, बी की इफिशियंसी 1 है, तो यहां से जो है 1/3 मतलब बी इंटू 1/3 ये इसकी इफिशियंसी हो गई। 1/3 गुना काम करे तो काम 3 दिन में समाप्त हो जाएगा, तो ये दोनों मिलकर ऐसे काम को जो है 3 दिन में समाप्त करेंगे। तो आपको ये बताना है कि ए अकेला इसे काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, देखो ए और बी मिलकर 5 दिन में काम कर रहे हैं, ए ने अपनी इफिशियंसी को डबल किया, बी ने क्या किया है 1/3 कर लिया, तो दोनों मिलकर 3 दिन में करते हैं। तो यहां से ए और बी की इफिशियंसी निकाल लेते हैं, तो पहले हमने क्या किया, यहां पर मल्टीप्लाई किया 5a + 5b, और यहां पर कितना है देखो इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 3 × 2 करोगे 6a, ठीक है, प्लस यहां देखो 3 से 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये तो हट ही गया यहां से, तो यहां से कितना मिला बी। तो हमने देखा 5a और 6, तो 6 में से 5 गया बचा इधर ए, और ये 5b में से b गया इधर, तो 4b आ गया, तो ए से बी का रेशियो कितना आ गया, तो 4/1 आ गया। और ये क्या है, ये है इनकी इफिशियंसी 4/1, मतलब ए की इफिशियंसी आ गई है आपके कितनी है 4, और बी की इफिशियंसी आ गई है 1। क्लियर इतना? अब यहां से देखो कि हमें जो पूछा गया वो रखो, टोटल वर्क चाहे आप यहां रखो चाहे यहां रखो, यहां रखना मुश्किल भरा काम है, सेम ही आएगा। तो ए की जगह 4 रख दिया मैंने और बी की जगह 1, तो ए की जगह अगर हम 4 रखते, मैंने यहाँ रखा 4, बी की जगह 1, तो देखो 4 और 1 5, 5 × 5 = 25, तो हमें पता चल गया कि हमारा जो टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क हमारा आ गया यहाँ से 25। ठीक है, और 25 को हमें किससे काम करवाना है, तो ए अकेला, और ए की इफिशियंसी देखो यहाँ से क्या आई है 4, 25/4 मतलब आंसर आ गया 4×6 = 24 और 1, तो 6 सही 1/4, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर सभी को? देखो ए और बी जो है 5 दिन में काम कर रहा है, ए डबल काम कर रहा है, बी 1/3 काम कर रहा है और 3 दिन में कर रहा है। तो यहाँ इसमें से हमने देखा 4b = a है, a/b किया, तो यहाँ पर वेरिएबल को हमेशा अलग रखो, नंबर को अलग रखो, तो ये 4 है तो 4 ही रहने दिया, बी जो है यहाँ पर, तो ए की इफिशियंसी आ गई आपकी 4, बी की इफिशियंसी 1 आ गई, तो टोटल काम कितना हुआ, देखो 4 और 1 5 × 5 = 25, ये टोटल काम हो गया। 25 काम को हमें किससे करवाना है, ए से, और ए की इफिशियंसी 4 है, तो भाग दे दिया आपका, तो आंसर आ गया 6 1/4। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है और सी अकेले घर को पेंट करने में 48 दिन लेता है, तीनों ए बी सी एक साथ काम करते हुए घर को रंगने में 16 दिन का समय लेते हैं, तो बी को अकेले रंगने में कितना समय लिया जाएगा। देखो सी का बोला गया 48 दिन लेता है और तीनों मिलकर दिया गया है 16 दिन, तो बी को कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ से ए और बी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है, उसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो ए और बी की इफिशियंसी दी गई है, मतलब यहाँ पर ए के बारे में क्या बोला गया है, बी से अच्छा काम करता है और कितना 3 गुना, तो अगर बी की इफिशियंसी 1 हुई तो ए की इफिशियंसी 3 हो गई, ये इनकी इफिशियंसी आ गई। अब आगे देखो सी अकेले एक घर को पेंट करने में 48 दिन का समय लेता है और ए बी सी एक साथ काम करते हुए घर को 16 दिन का समय लेते हैं, तो बी को कितना टाइम लगेगा। तो देखो जैसे बोला गया सी अकेले जो है पेंट 48 दिन ले रहा है और साथ में ए बी सी तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर जो है इसे 16 दिन में एक घर को पेंट करते हैं, है ना, तो आपको यह बताना है कि बी अकेला जो है इसे कितने टाइम में करेगा, है ना, बताइए कैसे करेंगे अब यहाँ पर।
ट्राई करिएगा, सभी जल्दी से आंसर बताइए फास्ट। देखो यहाँ भी क्या है, सिंपल वैसे ही आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखो मैंने यहाँ पर जो लिखा है ना सेम इसको मैं इफिशियंसी में कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ, है ना। क्या लिख देते हैं, जैसे देखो यहाँ पर क्या बोला है, सी जो है पेंट करने में 48 दिन लेता है, तो इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर टोटल वर्क, दोनों का अलग रख रहा हूँ, सेम रख रहा हूँ। तो यहाँ सी की इफिशियंसी सी मानी, इसे टाइम कितना लग रहा, 48, ये टोटल वर्क पूरा हुआ। और साथ में यही काम ए प्लस बी प्लस सी से मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। तो देखो इफिशियंसी इंटू टाइम टोटल वर्क, इफिशियंसी इंटू टाइम टोटल वर्क। अब यहां से हमने क्या रखना है, यहां से आप रख दो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1, इनकी इफिशियंसी रख दो, तो यहां से हमें सी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो यहां पर अगर हमने रखा सी इंटू 48, ठीक है, और ए और बी की कितनी आ गई, 3 और 1 आ गए। यहां पर हमने रखा ए और बी की कितनी आ गई, 3 और 1, तो टोटल में लिख रहा हूं यहाँ पर 4, प्लस सी किया और 16 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। चलो 16 से 48 काटा आपने 3 बार, तो 3 सी आ गया बराबर 4 प्लस सी। तो देखो 3 सी में से सी गया कितना हुआ, 2 सी बराबर 4, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2, तो सी की इफिशियंसी आ गई हमारी 2। अब हमसे काम क्या बोला है कि बी को अकेले घर रनने में कितना टाइम लगेगा, तो देखो टोटल वर्क निकालो कहाँ से आएगा, तो टोटल वर्क आ गया आपका यहां से, देखो ये वालों, तो सी की इफिशियंसी यहाँ 2 रख दी, तो 2 गुना 48, तो टोटल वर्क आपने कर दिया कि 2 इंटू 48। अब इसी को किससे काम करवाना है, उससे भाग दे लो, तो बी को बी से करवाना हो, बी की इफिशियंसी देखो क्या है, 1, तो बी से भाग दे दो, तो 48 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 96, 96। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ से ए जो है बी से 3 गुना है, तो इफिशियंसी रखी, सी 48 दिन में कोई काम करता है, ए बी सी तीनों मिलकर 16 दिन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने क्या किया है कि ए और बी की वैल्यू यहाँ रख दी है, इफिशियंसी टोटल 4 हो गई। इसको सिंप्लीफाई किया तो सी की वैल्यू आ गई हमारी 2, जो आ गई उसकी इफिशियंसी। तो हमने देखा कि 2 गुना 48 किया, तो ये हमारा टोटल काम हो गया, और टोटल काम को हमें किससे काम करवाना है, बी से, तो बी से भाग दे दिया, तो 96 आ गया आपका आंसर। क्लियर है, चलो तो ये आज का हमारा यहीं पर समापन होता है आज का लेक्चर। ये वाला सवाल एक बार आप घर से ट्राई करके जरूर आइएगा, है ना। एक ये वाला हो गया है, ये क्या है, अल्टरनेट डेज से रिलेटेड है सवाल। एक ये वाला हो गया है, ठीक है, यहां पर एक ये फ्रैक्शन वाला सवाल हो गया है, और एक ये वाला। ठीक है, तो ये मैंने आपको 5 सवाल दिए हैं, कोशिश करिएगा आप घर पे ट्राई करिएगा, लेकिन उससे पहले आप ये जो सवाल दिए हैं इसको अच्छे से नोट डाउन करके रखना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ मैं, लिमिटेड चीजें, लिमिटेड चीजों में अलग अलग वैरायटी के जो क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आपको हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। तो वो ध्यान रखिएगा कि जो भी चीजें हैं आप नोट्स बनाना, इतना कर लोगे तो सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।